छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का आज निधन हो गया। भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने 89 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। कांग्रेस नेता के पिता ने आज सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। नंदकुमार बघेल पिछले 3 महीने से राजधानी रायपुर के श्री बालाजी अस्पताल में भर्ती थे। नंदकुमार बघेल कई महीनों तक अस्पताल में थे। मिली जानकारी के मुताबिक नंदकुमार बघेल कई महीनों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे। पिछले कई महीनों से वह बीमार थे। डॉक्टर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के पिता नंदकुमार बघेल लंबे समय से अस्वस्थ थे, उन्हें कमजोर भी थी। वह कई महीनों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी पुरानी बीमारी से परेशान थे। इसके अलावा वह मधुमेह की भी बीमारी थी। बाद में उन्हें पैरालिसिस भी हुआ, जिसकी वजह से उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कुड्यालोर में बारिश से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है और कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पोस्ट के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु में और अगले 2 दिनों के दौरान केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ दक्षिण प्रायद्वीपी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तटीय तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में लगातार बारिश के कारण नागपट्टिनम, किलबेलूर तालुक, विल्लुपुरम और कुड्यालोर में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। रानीपेट, वेल्लोर और तिरुवनंतमलई में जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर आप और कांग्रेस को चर्चा करनी है। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी सत्ता में है। पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों की राज्य इकाइयां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और वे कोई समझौता नहीं करना चाहती। इससे पहले आप सूत्रों ने पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। कांग्रेस ने व्यापक आंतरिक विचार विमर्श के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कुछ राज्यों में इंडिया गठबंधन की समान विचारधारा वाली पार्टियां के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। वही सूत्रों के मुताबिक चर्चा दिल्ली तक ही सीमित रहेगी और पंजाब या गोवा या गुजरात में सीट बंटवारा एजेंडे में नहीं है। गुरुओं की इस धरती पे आज एज एन इंचार्ज कांग्रेस पार्टी किया मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पर है। मैं सबसे पहले गुरुओं की इस धरती को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका आशीर्वाद मिलेगा कि हम जो देश में जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है उसके बदलाव के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। सर, जो आपस में ये कांग्रेस और आपका इलेक्शन ना लड़ने की तैयारी, उस पे आपका कोई जगह है? आप बात हो रही है कांग्रेस कह रहे कि हम आप पार्टी के साथ यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। हम चर्चा करेंगे उसके पश्चात कुछ बताएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने
गांधीनगर में राष्ट्रीय कैडेट कोर की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली राष्ट्र के प्रति एनसीसी की उत्कट देशभक्ति पूर्ण सेवा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। महिला शक्ति के अबेग सफर के नारे के साथ रैली तमिलनाडु के कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक की दूरी तय करेगी। महिला एनसीसी कैडेटों की यह पहल राष्ट्र की सेवा में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी 11 दोषियों को अगले 2 हफ्ते में जेल अदालती के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ऑनरेबल जजेस जस्टिस नागरत्न एंड जस्टिस भुइया, दे हैव वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड व्हाट इज द लीगल एनालिसिस एंड रीजन फॉर सेटिंग असाइड क्वाशिंग द रिमिशन ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिंग the convicts to return to prison within a fortnight. The court has said, and it's a scathing indictment of the state of Gujarat. The court has said that the law is clear. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced, which as we know, in the case of Bilkis Bano, which is a case emerging from the violence that took place in 2002 in Gujarat. And in this particular trial, there were about 14 counts of murder, including little babies and infants, and gang rapes of women, including a pregnant woman. And in this case, the trial was transferred by the Honorable Supreme Court to a special court in Maharashtra, where they were convicted, and that conviction has been upheld by all superior. बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को पिछले साल कई बार लॉरेंस गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी में काफी इजाफा किया गया था। उन्हें जेट प्लस सिक्योरिटी भी दी गई है। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस पर 2 संदिग्ध लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की है। हालांकि दोनों आरोपी फार्म हाउस में घुस पाते उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सलमान खान के फार्म हाउस के तार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी। पुलिस ने ये भी बताया कि जिस समय आरोपियों ने सलमान खान के पनवेल को
फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की और उस दौरान एक्टर वहां मौजूद नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध है, लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुद को सलमान खान का फैन बताया है। वहीं पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिले हैं। हालांकि उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ 5 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। इस दौरान वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। चीन के दुस्समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइज़ अपनी पत्नी साजिदा मोहम्मद और एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन गए हैं। जानकारी के अनुसार यहां पहुंचने पर इनका स्वागत चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। बता दें कि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मोहम्मद मुइज़ की यह पहली विदेश यात्रा है। बता दें कि भारत और मालदीव के बीच इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव का जमकर बॉयकॉट हो रहा है। इसे लेकर भारत सरकार ने देश में मालदीव के उच्चायुक्त को भी तलब किया है। न्यूज़8 राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बने वजनलाल शर्मा को पहला तगड़ा झटका लगा है। श्री करनपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र लाल सिंह टीटी की करारी हार हुई है। उन्हें कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुनार ने 11,261 वोटों से हराया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते नवंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में यहां मतदान नहीं हो पाया था। कांग्रेस ने स्थगित हुए इस चुनाव में गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। उधर भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को न केवल मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बना दिया, बल्कि उन्हें 4 अहम पोर्टफोलियो भी दे दिए थे। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इस मतदाताओं को लुभाने की कोशिश बताया था कि और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। 5 जनवरी को श्री करनपुर विधानसभा के लिए वोटिंग हुई थी और आज उसके नतीजे आए, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता उनके चुनाव प्रचार के बाद भी सुरेंद्र पाल सिंह नहीं जीत सके। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद की शुरुआत हो गई है। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है। रिपी पेश की तरफ से ये कदम अब उठाया गया है, जब भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था। भारत की तरफ से लिए गए राजनयिक एक्शन के कुछ ही घंटों के भीतर ही मालदीव में रिएक्शन देखने को मिला है। मालदीव में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उच्चायुक्त को मिले समन की जानकारी दी। उच्चायोग ने ट्वीट किया, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावार के आज मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ एक पूर्व निर्धारित बैठक की। इस बैठक में दोनों राजनयिक ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। मुनु महावार ने नवंबर 2021 में मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त की जिम्मेदारी संभाली थी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जेल से बाहर आए। उन्होंने सिविल लाइंस में एक पुलिस वैन में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया है। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली से आपने 3 लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें संजय सिंह और एनडी गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले शनिवार 6 जनवरी को संजय सिंह को दिल्ली की अदालत से राज्यसभा का नामांकन व्यक्तिगत रूप से करने की इजाजत मिल गई थी। शुक्रवार को अदालत ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग नॉमिनेशन फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेजों पर सिग्नेचर की अनुमति देने का निर्देश दिया था।